नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल टेक बिजनेस में बहुत स्वागत है। मैं आपको आज यूपीबीसी विंडो बनाने की पूरी जानकारी दूंगा कि उसके सेस का पार्ट आप कैसे निकालते हैं। जो फार्मूला होता है, थ्री ट्रैक विंडो में बनानी है, मान लीजिए फ्रेम का साइज तो आपको मिल जाता है, उसके बाद जो उसमें सेस होता, पल्ला होता, उसका साइज कैसे निकालते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आप वीडियो को स्किप मत करें और आराम से देखें, पूरी जानकारी एक ही वीडियो मिलेगी। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। टू ट्रैक, थ्री ट्रैक कोई भी विंडो आराम से आप यूपीवीसी की उसके पल्ले का साइज निकाल सकते हैं। ये थ्री ट्रैक प्रोफाइल है, हम इस पर देख कर ही आपको बताएंगे और आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कैसे फार्मूला निकाला जाता है, किस तरह साइज निकाला जाता है, पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। देखिए, ये थ्री ट्रैक हमारा फ्रेम है। इसमें जब हमें विंडो के पल्ले का साइज निकालना होता है तो हमको इस पार्ट को नापना होता है कि इसका क्या मेजरमेंट है, इसका साइज चाहिए होता है हमको इसका। देखिए, हमारा ये लेसो कंपनी की प्रोफाइल है। देखिए, इसका 52 mm, 52 mm इसका ये साइज है, 52 mm। और इसमें जो हम सेस लगाएंगे वो TC604 इस कंपनी के सेस का कोड है जो हम लगाएंगे, और कंपनी का कोड अलग अलग हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपको बस जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है। जो सेस लगाएंगे उसका साइज, देखिए इधर हमारी बिडिंग लगती है, इधर हमको नहीं नापना है, हमको इस तरफ मेजरमेंट करना है इसका, इस तरफ। ये हमारा 67 mm है, 67 mm, ये हमारा 67 mm है। हमें इस तरफ से ही नापना है इसको, इस तरफ से नहीं। इस तरफ से हम जब नापेंगे, जब हमें गिलास का साइज निकालना है उसके लिए ये है। आगे मैं इसको भी बताऊंगा, अभी फ़िलहाल आप इसको सिर्फ देखिए। ये 67 mm है और ये हमारा थ्री ट्रैक जो है वो 52 mm है, 52 mm। चलिए अब आपको पेपर पर सिखाते हैं। हम आपको थ्री ट्रैक विंडो बनाएंगे उसको दिखा रहे हैं। अब साइज कैसे निकालना है, ये थ्री ट्रैक विंडो का डिज़ाइन है, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ थ्री ट्रैक। इसमें दो पल्ले आपके गिलास के होंगे, एक मेस का, और हाँ इसका साइज क्या होगा, जो साइज हमें चाहिए बनने के बाद, 1360 विड्थ होगी और 1245 आपकी हाइट होगी। ठीक है, 1360 1245 की हमें ये विंडो रेडी कर देनी है। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो आपको अभी दिखाया था थ्री ट्रैक फ्रेम की प्रोफाइल, उसका साइज जो था 52 mm बताया था, तो उसी के द्वारा कैसे निकालेंगे। देखिए, अब थ्री ट्रैक फ्रेम प्रोफाइल हमारी थी 52 mm, 52 mm, तो 52 और प्लस 52, जो भी हमारी प्रोफाइल होगी, जो भी साइज होगा, उसको ऐसे दो बार हमें लिखना है। 52 52 बराबर आया 104। जो 52 प्लस 52 मैंने कराया है, तो 52 मान लीजिए हम जो विड्थ का साइज निकालेंगे तो हाइट में हमें एक तरफ ऐसे रहेगा ये और एक तरफ ऐसे रहेगा, तो 52 इधर से और 52 इस तरफ से, ये 52 52 104। उस कोई भी प्रोफाइल हमको ऐसे उसको निकालना है पहले साइज, और उसके बाद आपको इसमें से माइनस करना 16। ये 16 माइनस जो हम कर रहे हैं, 8 mm एक तरफ पल्ला ओवरलेप करता है फ्रेम के ऊपर और एक तरफ 8 mm, तो 8 8 16 माइनस ओवरलेप सेस का है, तो 8 mm इधर से, ये देखिए इस पे आपके 8 mm इतना पल्ला चढ़ता है जहाँ हम लॉक करेंगे, और 8 mm इधर से, तो इस तरह से 8 8 mm 16 mm, ये 16 तो हमारा 88 mm बच रहा है। आप देखिए, ये 1360 हमारी विड्थ है थ्री ट्रैक की। अब इसमें से हम माइनस, ये जो 88 बचा है इसे हम माइनस करेंगे, तो हमारा साइज निकल के आता है 1272। ठीक है, ये हमारा 1360 में से हमने 88 mm माइनस किया, वो 1272। अब इस 1272 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा साइज निकल के आता है
636, ठीक है। अब यहाँ पर ये फ्रेम का काम ख़त्म हो गया, ठीक, ये फ्रेम का काम ख़त्म हो गया, 636 वाला साइज निकल आया है विड्थ का। अभी देखिए अब इसमें और क्या करना है हमें। अब हम जो सेस यूज कर रहे थे स्लाइडिंग का सेस पल्ला, उसका हमारा साइज था 67 mm, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो अब इसमें 67 mm को डिवाइड करेंगे हम दो से, ये ओवरलेप पल्ले के ऊपर जो पल्ला आता है सेंटर में, तो उसको ओवरलेप का साइज निकालने के लिए 67 को दो से डिवाइड करेंगे तो 33.5 आया। इसको हम 34 मान लेते हैं, क्योंकि प्लस में ही रखना है, माइनस में नहीं करना है, तो 34 मान लेते हैं। 34 प्लस सिक्स एम एम मेल्टिंग का, जो वेल्डिंग मशीन में मेल्ट होगा गलेगा उसका 6 mm, तो 34 प्लस 6 40 mm। अब ये 636 वहाँ पहले आया था उसे हमने लिखा, और इस 40 को हम जोड़ लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 676। अब ये हमारा विड्थ का सेस की विड्थ निकल आई, सेस की विड्थ की साइज, पल्ले की जो विड्थ का साइज होगा वो हमारा हो जाएगा विड्थ बराबर 676, ठीक है। ये 676 हो गया हमारा। अब ये हमारा विड्थ निकल आया, हम निकालेंगे। अब हम हाइट का साइज निकालेंगे, हाइट हमारा है 1245, ठीक है। अब यहाँ भी ये जो थ्री, ये हमारे हाइट का साइज है 1245। अब इसमें से फिर हम 52 104 माइनस करेंगे, ठीक है, आएगा हमारा 1141। अब देखिए यहाँ जो होता है ये ओवरलेप होगा नीचे विड्थ पे 8 mm हाइट और 8 mm ऊपर, तो 8 + 8 करेंगे, मतलब ये ओवरलेप होता है हाइट में, ऊपर पल्ला चढ़ता है फ्रेम के ऊपर 8 mm चढ़ता, तो 8 + 8 = 16, ठीक है। और प्लस इसमें मेल्टिंग का 6 mm, जो पल्ला जब हम जोड़ेंगे तो वेल्डिंग मशीन में 6 mm जो गलेगा उसको भी ऐड करेंगे, तो 16 + 6 = 22 mm हो जाएगा हमारा। तो अब ये 22 mm को हम इस 1141 में प्लस करेंगे, 1141 + 22 हमारा आएगा 1163, जो हमारे 1163 आएगा ये टोटल, ये हो जाएगा हमारे सेस की हाइट, सेस की हाइट जो हमें कटिंग करनी है उसका साइज होगा 1163। 1245 हमें रेडी चाहिए थ्री ट्रैक हाइट में, तो पल्ले का साइज आएगा 1163, देखिए यहाँ पे। और जब फ्रेम काटेंगे हम थ्री ट्रैक का, तो उसकी विड्थ की कटिंग करेंगे 1360 थी हमारी, 6 mm बढ़ाकर 1366 करेंगे, इसके दो पीस कटेंगे, और हाइट हमारी थी 1245, तो हाइट हम काटेंगे 1251, इसके भी हम दो पीस काटेंगे। और ये जो हाइट हमारी कटी है सेस की साइज है, इसके 6 पीस कटेंगे, और जो विड्थ का साइज है सेस का इसके भी 6। अब इसका जो सेस हमने आपको बताया था, जो 67 mm का 67 mm का सेस था, उसका कोड था TC604। इसकी अब विड्थ जो कटेगी, पल्ले का साइज जो सेस कटेगा, उसकी विड्थ का फार्मूला निकल के आ रहा है 1366, ये जो है विड्थ थ्री टेक फ्रेम की, डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा हमारा 683। इस 683 में हम माइनस करेंगे 7, तो आएगा 676। ये कैलकुलेटर से हम निकालेंगे इस तरह से, 1366 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 683 माइनस 7 676, ये हमारी विड्थ हो जाएगी 676। अब थ्री टैक बना रहे हैं हम, तो इसके 6 पीस कटेंगे,
चार विर्थ लग जाएंगी गिलास के पल्लों में और दो विर्थ लगेगी मेज के जाली के पल्लों में, तो ये सिक्स पीस। अब इसकी हम हाइट, अब हाइट का फार्मूला क्या निकल के आया है हमारा है 1251। ये फ्रेम की हाइट का साइज है 1251, इसमें हम माइनस करेंगे 88 माइनस 88 88, तो हमारा हाइट का साइज निकल के आएगा 1163। तो हमारी हाइट हो जाएगी 1163। इसके भी हम 6 पीस काटेंगे। यही सेम फार्मूला यूज होगा हमारे 3 ट्रैक में भी, 2 ट्रैक में भी और 2.5 ट्रैक में भी। बस हमें ये देखना होगा कि ये जो हमारा जो 3 ट्रैक या 2.5 ट्रैक या 2 ट्रैक उसकी जो प्रोफाइल है उसका साइज और जो उसमें सेस लगाएंगे उसका साइज। बाकी फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था इस तरह से, इसी तरह से जो भी साइज हो, अगर ये आपका 3 ट्रैक फ्रेम का साइज यहाँ पे 60 आ रहा हो तो आप इसे 60 प्लस 60 भी कर लेंगे, तो बराबर जो आएगा उसमें से माइनस आपको 16 ही करना है और उसके बाद जो बराबर आएगा उसको ही आपको अपनी विड्थ के साइज में से माइनस करना है और फिर उसको डिवाइडेड 2 करना है। फिर जो आपका स्लाइडिंग सेस होगा उसका जो साइज होगा उसको आप डिवाइडेड 2 करेंगे तो जो निकल कर आएगा उसमें प्लस 6 करेंगे, चाहे वो 67 की जगह 88 हो तो 88 को भी आप डिवाइडेड 2 करेंगे तो 44। तो यहाँ पे 34 लिखा हुआ है, इसकी जगह हो जाएगा ये 44 प्लस 6, प्लस 6 करना ही है कोई भी शेष हो प्लस 6, तो ये हो जाएगा 50। तो ये जो साइज पहले निकल गया था इसी साइज में आपको ये 50 को प्लस कर देंगे वो विड्थ का साइज होगा। और इसी तरह से हाइट में भी जो आपकी हाइट का साइज है उसमें 52 प्लस 52 104 उसको आपको माइनस करना, अगर आपका 60 है तो माइनस 120 करिएगा, तो आप अगर 120 माइनस करते हैं तो आपका निकल के आएगा 1125। अब ये 1125 कोई भी साइज हो हाइट सेम उसी तरह से निकलेगी, बस यहाँ पर आपको जो माइनस करना है वो आपका जो प्रोफाइल फ्रेम है 3 ट्रैक उसका जो भी है उसको डबल करके माइनस कर देना है हाइट के साइज से, फिर जो निकल के आएगा उसमें 8 प्लस 8, ये ओवरलेप इस पे 8 mm चढ़ेगा और इस पे ओवरलेप रहेगा, उसको जोड़ना है 8 प्लस 8 16 mm होगा प्लस 6 mm जो हमारा मेल्टिंग का होता है जो वेल्डिंग मशीन में गलेगा, टोटल 22। कोई भी शेष हो हाइट में हमें 22 mm प्लस करना है, ये जो साइज हमें चाहिए उस साइज से फ्रेम के साइज को जस्ट डबल करके प्रोफाइल के साइज को जस्ट डबल करके माइनस करना है, फिर उसमें 22 mm प्लस करना है और जो आएगा वो हमारे हाइट का साइज होगा।